ये रोज ही होता है मेरे साथ एक बार तो। हाँ जी, गुड इवनिंग 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 गुड इवनिंग, कोई एक गुड इवनिंग तो सुनाई दे ही गई होगी, बता दो। हाँ यस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड 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 इवनिंग गुड 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 इवनिंग। आ गई आ गई आ गई आ गई बेटा, आ गई आवाज। सब्र तो रखो, रुको तो जरा, आवाज आ रही है, आ चुकी है अब। कल भी मेरे से ऐसा हो गया था, आज भी हो गया है, तो कोई बात नहीं, माफ माफ कर दो फिर दोबारा मुझे एक बार। पिछले 10 सेकंड में जो भी बोला है दोबारा बता देती हूँ बेटा, सीरियस नोट पे सुनो एक बार ध्यान से। इंग्लिश के अंदर टेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और आपके सरकारी नौकरी के एग्जाम के अंदर भी टेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और हरियाणा के अंदर तो आप ये मान लो, कई बार तो ऐसा होता है 5 में से 3 क्वेश्चन सीधा सीधा टेंस के आ जाते हैं। तो अभी आगे 2 से 3 दिन में मैं टेंस को पूरा करा दूंगी, और 2 से 3 क्लास में मैं आपको मुश्किल से 15 ट्रिक्स बताऊंगी, सिर्फ 15, और उन 15 के बाहर हरियाणा और एयरफोर्स के पेपर में तो आएगा नहीं। ये 2 पेपर को टारगेट करके ये वीडियो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, सॉरी लाइव है, रिकॉर्ड तो नहीं है, लाइव ले रही हूँ आपके सेशन को मैं। एक तो हरियाणा का हर एग्जाम और दूसरा एयरफोर्स। अभी अपकमिंग ना सर पे ये 2 ही पेपर हैं, या तो एयरफोर्स का भूत सवार है हमारे ऊपर या फिर हरियाणा का। तो इन दोनों एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए आज की क्लास में मैंने टेंस पढ़ाने की सोची है। और जिस बच्चे को आज तक समझ में नहीं आया, वीडियो शुरू होने से पहले प्रॉमिस कर रही हूँ पक्का समझ आएगा, खत्म होने तक लगा लेना। 5-7-10 मिनट सुन करके चले जाओगे तो देखो धरती पे कोई टीचर परमात्मा नहीं है आपको नहीं सिखा सकता। पूरी क्लास लगाइएगा, पक्का पक्का आपको टेंस समझ में आएंगे। अब ठीक हो गया? अब आवाज सुनाई दे रही थी, बताना मुझे जल्दी से। तब तक मैं अपनी क्लास शुरू कर रही हूँ बच्चों। सबसे पहली बात जो मैं आप सबको बताना चाहूंगी, टेंस का मतलब होता है बेटा टाइम। टेंस का मतलब होता है ऐसी वर्ब जो समय दिखाने का काम करे। टेंस का मतलब ऐसी वर्ब जो समय दिखाने का काम करे। हाँ नीरज जी, टेंस ही पढ़ा रही हूँ, और तो मैं कुछ यहाँ करने आई भी नहीं हूँ, टेंस ही पढ़ाऊंगी। टेंस ही पढ़ाने की क्लास है, तो टेंस पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे। नए बच्चे मुबारक हो, पहला दिन है तो बड़ी अच्छी बात है, पहला दिन है तो बड़ी अच्छी बात है, समझ में बहुत अच्छे से आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ जाइए। टेंस का मतलब है बेटा क्या? समय दिखाने वाली वर्ब, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर हम अपने एग्जाम के टेंसेस को करना चाहते हैं तो कुछ भ्रम मिटाने बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला भ्रम जो मैं अपने बच्चों का मिटाना चाहूंगी वो ताते ती वाला मिटाना चाहूंगी। आपको याद है स्कूल टाइम से हम लोग सीखते रहे ता है ती है ते है रा रा थे था थी, तो इससे बेटा पेपर के टेंसेस नहीं होते। मेरा तरीका ये नहीं है, मैं बिल्कुल भी ताते ती वाले तरीके से आपको टेंसेस नहीं कराऊंगी। मेरा टेंस पहचान कराने का तरीका क्या है? वर्ब। आइडेंटिफाई द वर्ब, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योर टेंस। आप सही वर्ब पहचानना सीख जाओ, टेंस सही लगाना अपने आप आ जाएगा। क्योंकि हमारे ज्यादातर बच्चे बचपन से हिंदी मेथड से सीखते तो आ रहे हैं, लेकिन आज तक ताता थैया करना आता नहीं है टेंस के अंदर। तो हम ट्रिक्स अप्लाई करना सीखेंगे वर्ब के ऊपर, और हर टेंस के अंदर एक ना एक वर्ब जरूर मिलती है। इंग्लिश का कोई भी ऐसा वाक्य नहीं हो सकता जिसमें वर्ब ना हो, और अगर वर्ब पहचानने सीख ली तो टेंस अपने आप पहचान पाओगे, ठीक है? तो हम टेंस को पहचानने के लिए क्या पहचान पकड़ेंगे? वर्ब को पकड़ेंगे। हम तातेती बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, पहली बात। दूसरी, समय को 3 तरीके से बांटा गया है बेटा। या तो समय है प्रेजेंट जो कि अभी मेरी क्लास है, या फिर है पास्ट जो कल की मेरी क्लास थी, या फिर होगा फ्यूचर अगर कल तक जीवित रही तो आने वाले कल में जो क्लास लेने वाली हूँ वो क्या है? फ्यूचर में रहेगी। तो जब भी समय का बंटवारा होता है 3 ही तरीके से होता है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। अब अगर इन तीनों समय पर काम का बंटवारा किया जाए, यानी प्रेजेंट में काम का बंटवारा, पास्ट में काम का बंटवारा और फ्यूचर में काम का आधार या समय सुनिश्चित किया जाए, तो हर समय पर काम को करने के तरीके 4 होते हैं। समय के टाइप कितने हैं? 3। और हर समय पर, प्रणाम सुनील जी प्रणाम, मैं किसी का प्रणाम भी लूंगी तो एक आधा बच्चा लिख देगा पढ़ा लो,
यहाँ पे एडवाइस देने वाले बहुत आते हैं, सीखने वाले थोड़े कम हैं। हाँ जी सुनिएगा, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर, और जहां पर भी प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर में कर्मों की बात की जाए, कामों की बात की जाए, तो कितने तरीके से काम होते हैं? चार। अब सीखने की बात शुरू हो चुकी है, अब असली क्लास शुरू हो चुकी है, अब नहीं हिलना आप स्क्रीन के आगे से, सुनो ध्यान से। हर समय पर काम करने के मेथड चार। कैसे? प्रेजेंट के अंदर अभी मैं क्लास पढ़ा रही हूं, ये काम रनिंग है, और रनिंग काम को दिखाने के लिए एक्शन होता है कॉन्टिन्यूस। अगर मैं पढ़ा नहीं रही होती और मैं खड़े रह के कहती मैं आपकी इंग्लिश की टीचर हूं, मैं क्या सेंटेंस बोलती? मैं आपकी इंग्लिश की टीचर हूं। बेटा जहां पे काम क्या है ये बताया जाए वो सिंपल प्रेजेंट होता है। ये काम है, ये जगह है, ये इंसान है, जहां पे सिर्फ ये बताया जाए कि ये एक्चुअल चीज है, उसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। और जब वो काम चलना शुरू हो जाए तो उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूस। और अगर कोई काम चल रहा है ना बेटा तो कभी खत्म भी होगा, अगर कोई काम चल रहा है तो कभी तो खत्म भी होगा, और जब वो काम खत्म होता है तो टेंस हो जाता है परफेक्ट। जब वो काम खत्म हो जाता है ना तो टेंस हो जाता है परफेक्ट। तो सिंपल प्रेजेंट मैं क्या हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मैं पढ़ा रही हूं, प्रेजेंट परफेक्ट 10:30 बजे हमारा ये काम खत्म हो जाएगा आज के लिए। तो फिलहाल के लिए काम का रुक जाना या कंप्लीट हो जाना क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा टेंस होता है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये पता है क्या काम करता है? इस एक्शन में, इस टेंस में हम उन कामों की बात करते हैं जिनका शुरू होने का समय तो क्लियर है लेकिन खत्म कब होंगे ये नहीं पता। शुरू होने का समय तो हमारे पास है लेकिन खत्म कब होंगे ये हमें नहीं पता। यानी स्टार्टिंग टाइम तो है लेकिन एंडिंग हमारे पास नहीं है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यहां से एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो फिर सुन लो ध्यान से, काम शुरू होने का समय तो पता हो लेकिन उस काम के खत्म होने का समय हमें क्लियर ना हो तो उसे हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसा कैसे हो सकता है मैम? पक्का हो सकता है बच्चों? आप लोगों की सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कब हुई थी पता है? डेट, महीना, साल कुछ तो याद होगा लेकिन खत्म कब होगी ये पता है? डेट, महीना, साल बता सकते हो? नहीं। जवाब ये तो नौकरी लग गई तब खत्म होगा, नौकरी कब लगेगी नहीं पता ना। तो हर वो काम बेटा, आप लोगों की पढ़ाई कब खत्म होगी, डेट है क्या कोई फिक्स? नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं बेटा, मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ आपको ऐसा कहना है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। मैं 3 दिन से नहाया नहीं हूँ आपको ये कहना है तो ये भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। मैं पिछले 10 साल से सिंगल हूँ अगर ऐसा कुछ कहना है तो भी आपका टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। यानी जब भी हम काम के शुरू होने का समय बताएं लेकिन खत्म होने का ना बताएं तो टेंस कौन सा होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर। तो अब तक का निचोड़ क्या दे रही हूँ? निचोड़ ये कह रही हूँ कॉन्टिन्यूस का मतलब काम चल रहा है, चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर। परफेक्ट का मतलब काम खत्म हो गया, चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब काम शुरू तो हो गया, चलता ही जा रहा है, 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 चलता ही जा रहा है। कोरोना शुरू हुआ था 2 साल पहले, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। इन्हें कहते हैं बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे मैंने आपका हल्का सा बेसिक बना दिया है, अब मैं वो चीजें पढ़ाने जा रही हूँ जो एग्जाम में काम आएंगी। यहां तक बता दें, कोई डाउट कंफ्यूजन है तो मैं एक बार कमेंट्स की तरफ देख रही हूँ, जल्दी बताइएगा, सबको क्लियर हो गया? जल्दी बता दो। हाँ जी जल्दी बताएं, यहां तक का क्लियर हो गया? बताएं। हाँ जी बेटा जल्दी बताइए, यहां तक क्लियर हो गया है बच्चों? फटाफट बताओ बच्चों, फटाफट बताओ प्लीज, फिर मुझे आगे बढ़ना है ना, कुछ ऐसी बातें करनी है जो सीधा सीधा सरकारी नौकरी में काम आए। विवेक अत्री को क्लियर है? गुड मॉर्निंग सुधीर कुमार जी, बाकी सबको क्लियर है? चुप करवा दो इनको। किन्हें चुप करा दूं, मैंने तो कमेंट्स पढ़े ही नहीं भाई। जो भी आलतू फालतू बात कर रहे हैं ना करें, क्लास में ध्यान दें।
पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, ये तो किताबों में छपा ही हुआ है, इस पे भी आऊंगे, रुक जाओ। एक बच्चा कह रहा है सीधा बता दो ना पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, करेंगे ना ये बात भी धीरे धीरे, धीरे धीरे से टेंस को आपके जिंदगी में आने दो, धीरे धीरे से जो जिंदगी में आता है लंबे समय तक टिकता है, आसानी से नहीं जाता है, ठीक है। मेघा क्या लिखा है बेटा, मैं पढ़ ही नहीं पाई, सबको क्लियर हो गया है क्या बोल रहे हो, वॉइस क्लियर नहीं है मेरी तरफ से, तो बिल्कुल ठीक है बेटा, अपने फोन का वॉल्यूम बढ़ा लो। चलो सबको क्लियर हो ही गया है, आ जाओ। अब मैं आपको हर टेंस के वर्ब क्लियर करूंगी, तो सबसे पहले पढ़ाने लग रही हूं प्रेजेंट टेंस और इसके वर्ब क्लियर करूंगी, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट में सबसे पहले आएगा हमारा सिंपल प्रेजेंट, फिर आएगा कंटिन्यूअस, फिर आएगा परफेक्ट, और चौथा आ जाएगा बेटा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब डिटेल में बताऊंगी, अभी तो मोटा मोटा ज्ञान दिया था, अब स्क्रीन के आगे से मत हिलना जब तक मैं तीनों टेंस ना पढ़ा लूं। प्रॉमिस कर रही हूं पूरा क्लास मेरी लगा लो, अगर इसके बाहर क्वेश्चन आ जाए तो इसी वीडियो के नीचे आगे कमेंट कर देना, मैं गारंटी से बोल रही हूँ ध्यान से कर लो बस तीन दिन, ठीक है, इसके बाहर नहीं आने दूंगी बेटा आपके एग्जाम्स में, ठीक है। आइए, तो सिंपल प्रेजेंट में मैंने कहा था बेटा कि काम ये है, बस इतना बताया जाता है, और प्रेजेंट को इंग्लिश में दो ही वर्ब दिखाती हैं, या तो फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म पर एस या ईएस। जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें या तो वाक्य में मिलेगी पहली फॉर्म या फिर मिलेगा बेटा पहली फॉर्म पे एस या ईएस। हिंदी मीनिंग बिल्कुल मत ढूंढिएगा, सीधा इतना देखना क्या फर्स्ट फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म पे एस या ईएस है। अगर पहली फॉर्म है तो भी टेंस सिंपल प्रेजेंट है, पहली फॉर्म पे एस या ईएस है तो भी टेंस सिंपल प्रेजेंट है, और अगर आपका वाक्य नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो डू और डज आपको मिल सकते हैं। सीधा सीधा बता रही हूं, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो हमें क्या यूज करना होता है, डू और डज, अदरवाइज आपके वाक्य में या तो पहली फॉर्म होगी या पहली फॉर्म पे एस या ईएस होगा। अब जल्दी से बताओ, आई डोंट नो हिम कौन सा टेंस है बेटा इस वाक्य में, बताओ आई डोंट नो हिम कौन सा टेंस है इस वाक्य में, ही कुक्स फूड कौन सा टेंस है इस वाक्य में, जल्दी बताओ ही कुक्स फूड कौन सा टेंस है इस वाक्य में। मैंने कहा दे रीड, दे रीड बुक्स कौन सा टेंस है इस वाक्य में, बताओ बेटा इन तीनों में बताओ बच्चों कौन सा टेंस है। रुपेश चेंज कर तो दिया जाता है ऐसे हालातों में, अगर ध्यान कोई लेकर चला जाए गवर्नमेंट का तो चेंज हो तो जाता है बेटा, होप फॉर द बेस्ट बाकी। हाँ जी चलिए, इन तीनों वाक्यों में सिंपल प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है डू, सीधा पता लग गया सिंपल प्रेजेंट, यहाँ पे दिख रहा है वर्ब पे एस या ई एस, सीधा पता लग गया सिंपल प्रेजेंट, और यहाँ पे दिख रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सीधा पता लग गया सिंपल प्रेजेंट। इस तरीके से पता लगाना है बेटा, या तो फर्स्ट फॉर्म देखना या फर्स्ट फॉर्म पे एस या ई एस या फिर डू और डज। एक बहुत जरूरी बात और बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, बहुत कान खोल के सुन लेना, एस या ई एस वाली वर्ब, एस या ई एस वाली वर्ब इंग्लिश में हमेशा सिंगुलर होती है और बिना एस या ई एस वाली वर्ब इंग्लिश में हमेशा प्लूरल होती है बेटा। एस या ई एस वाली वर्ब सिंगुलर होती है और बिना एस या ई एस वाली वर्ब कैसी होती है, प्लूरल। इसीलिए ध्यान दो, ही के साथ कुक्स लिख रही हूँ सिंगुलर और दे के साथ रीड लिख रही हूँ प्लूरल, दे के साथ रीड लिख रही हूँ प्लूरल। यस ललित, पुलिस के पेपर तक तो बड़े आराम से हो जाएगा। इंग्लिश में देखो बेटा चार या पांच ही टॉपिक्स आते हैं, उसके अलावा मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी, उसको आप फॉलो कर लेना, विल बी एनफ। हाँ जी जल्दी से बताएं, क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, ये टेंस का बेसिक है बेटा, इस बेसिक के बिना मैं ना एक भी ट्रिक आपको सिखा नहीं सकती। मैं किसी बच्चे को बोल रही हूँ बच्चों यहाँ सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए, उसको सिंपल प्रेजेंट का अर्थ नहीं पता है, उसको वर्ब का सिंगुलर प्लूरल नहीं पता है, तो कैसे उसको मैं ट्रिक सिखाऊंगी। तो आज की क्लास में बेसिक मजबूत कर दूंगी आपका जाने से पहले,
और ट्रिक भी सिखा दूंगी अगर टाइम बचा तो, नहीं तो कल से मैं ट्रिक्स की क्लास शुरू करूंगी। पर प्रॉमिस ये है कि 3 क्लास में टेंस डन होने वाला है अपना, 3 के ऊपर क्लास बिल्कुल नहीं लगेंगी, 30-30, 40-40 मिनट की, यानी 1.5 घंटे में नौकरी वाला टेंस पूरा करा दूंगी। ठीक है, आप जल्दी से बता दो, सिंपल प्रेजेंट को थोड़ा बहुत क्लियर हो गया, पूरा पूरा क्लियर तो जब क्वेश्चन दिखाऊंगी ना तब होगा, अभी तो ये बताओ मोटा मोटा सा समझ में आ गया क्या, जल्दी बताएं। जी मैम, हाँ ट्वीट कर दो, ईमेल कर दो, यही तरीके होते हैं बेटा। ये 304 लगा दिया है, अभी तो ये चीजें नहीं पढ़ानी ना, अभी तो आपको बेसिक कराना है। ये लो, अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बेटा, तो जब भी आपका टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा ना, इंग्लिश के सेंटेंस में मिलेगा इज एम आर के साथ आईएनजी। इंग्लिश के सेंटेंस में क्या मिलेगा? इज एम आर के साथ आईएनजी। देखो आई एम टीचिंग यू, बताओ जल्दी से कौन सा टेंस है? आई एम टीचिंग यू, जल्दी बताओ कौन सा टेंस है? मैंने कहा यू ऑल आर अटेंडिंग माय क्लास, जल्दी बताओ कौन सा टेंस है? यू ऑल आर अटेंडिंग माय क्लास, जल्दी बताओ कौन सा टेंस है बेटा इसमें? He is not attending this class. बताओ कौन सा टेंस है इसमें? He is not attending this class. बताओ बेटा तीनों में कौन सा टेंस है? साफ साफ दिखाई दे रहा है इज एम आर के साथ आई एन जी, जहां जहां भी होगा टेंस पक्का कौन सा हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो सीधा तरीका हो गया पता लगाने का, इज एम आर के साथ आई एन जी दिखते ही हम जवाब देंगे टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हिंदी बिल्कुल नहीं बनानी, साबित कर दूंगी बिना हिंदी बनाए एरर होंगे। एक बार मेरे तरीके को फॉलो करने पर ध्यान दो सभी बच्चे। तीसरा टेंस ले रही हूं बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट। तीसरा टेंस ले लिया है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट को यहां दिखाते हैं हम हैज हैव से, और परफेक्ट का मतलब होता है थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट का मतलब यहां पे हैज हैव है, और परफेक्ट का मतलब है थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट का मतलब हैज हैव है, और परफेक्ट का मतलब है थर्ड फॉर्म। जहां पर भी टेंस परफेक्ट होगा पक्का पक्का थर्ड फॉर्म यूज होगी, गांठ मार लो ये चीज। जहां भी टेंस कॉन्टिन्यूस होगा पक्का पक्का आईएनजी यूज होगा। जहां भी परफेक्ट कोई कह रहा है तो समझ जाओ कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। और हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म अगर है तो टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे कि मैं बोलूं She has taken food. बताओ कौन सा टेंस है? She has taken food. बताओ कौन सा टेंस है? They have not gone there. वो वहां पर नहीं गए हैं। They have not gone there. बताओ कौन सा टेंस है? तो जहां भी has have के साथ थर्ड फॉर्म आपको दिख जाए आपने टेंस कौन सा लगा देना है बच्चों? आपने टेंस कौन सा लगा देना है? प्रेजेंट परफेक्ट। Has English में singular subject के लिए आता है और have English में plural subjects के लिए आता है, जिन्हें नहीं पता। इसीलिए मैं they के साथ have लगा रही हूँ और she के साथ has। Has singular subject के लिए आता है और have plural subject के लिए। बेटा बिल्कुल zero से पढ़ा रही हूँ tense। इससे zero कुछ नहीं हो सकता है tense में, सरकारी नौकरी वाले बच्चों के लिए इससे zero point कुछ नहीं होता। पिछली स्लाइड में भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ एक बार। देखो अभी जब मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया था तो कहा था कि इज एम आर के साथ आई एन जी का मतलब क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसमें इज और एम जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और आर इन दोनों का प्लूरल होता है, यानी आर एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है और इज और एम आपके सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और आई एन जी यानी कि वी फोर सिंगुलर भी है और प्लूरल भी, डिपेंड करता है। इज गोइंग है तो सिंगुलर हो गया, आर गोइंग है तो प्लूरल हो गया। समझ पाए बेटा? तो यहाँ पे मैं सिंगुलर प्लूरल बताना भूल गई थी, इसलिए मैंने प्रीवियस स्लाइड करके आपको बता दिया है। यहाँ पे मैंने क्लियर कर ही दिया है कि हैज सिंगुलर होता है और हैव प्लूरल होता है और परफेक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म होता है। अब चौथे टेंस की अगर मैं बात करूं बेटा प्रेजेंट में, तो वो कौन सा था? प्रेजेंट था, परफेक्ट था और कंटिन्यूअस था। अब ध्यान से देखना, प्रेजेंट का मतलब यहाँ पे बेटा होता है हैज हैव। परफेक्ट शब्द को हम दिखाते हैं बीन से, क्योंकि परफेक्ट यानी थर्ड फॉर्म। और कॉन्टिन्यूअस को हम दिखाते हैं हमेशा ही किससे?
आईएनजी से। अब क्योंकि इस टेंस में हमेशा ही शुरुआत का समय दिया गया होता है, तो समय दिखाने के लिए ये दो टाइम वर्ड्स हम यूज करते हैं, सिंस और फोर। कहाँ सिंस लगता है, कहाँ फोर लगता है, ये भी जरूर सिखाऊंगी। एक बार बेसिक पूरा कर लेते हैं हम पहले। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब हैज हैव बीन के साथ आईएनजी और वाक्य के लास्ट में सिंस और फोर। इस कॉन्सेप्ट से 100% आपके हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इस कॉन्सेप्ट से 100% आपके हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा। तो 100% क्लास कब से चल रही है? 9:45 से चल रही है। 10 बजे से लगा लो, शुरू में माइक की आवाज नहीं थी तो लगभग 10 बजे से चल रही है बेटा। हाँ जी, तो हैज हैव बीन आईएनजी हो गया, सिंस और फोर। कैसे? मार्कर चेंज करती हूँ ताकि एग्जाम्पल अलग से ही दिखाई दे। शी हैज बीन डूइंग दिस, शी हैज बीन डूइंग दिस सिंस मॉर्निंग। स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल नहीं। शी हैज बीन डूइंग दिस सिंस मॉर्निंग। अब देखो, शी है इसलिए हैज लगाया है क्योंकि हैज सिंगुलर होता है और हैव प्लूरल होता है, तो शी मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज आ गया। अगर यहाँ पे दे होता तो हैव लगता बेटा। दे हैव बीन डूइंग दिस सिंस मॉर्निंग। तो समझ में आ गया मेरे ख्याल से आप सबको, शी हैज बीन डूइंग देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए टेंस कौन सा है बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जल्दी से बताना, क्या प्रेजेंट टेंस थोड़ा बहुत समझ में आ गया है? हाँ जी, जल्दी बताएं, क्या थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है प्रेजेंट टेंस आपको? बताओ बेटा, बिल्कुल जीरो बेसिक से पढ़ा रही हूं, इससे जीरो टेंसेस में कुछ नहीं हो सकता जो मैं फिलहाल करा रही हूं। इससे जीरो कुछ नहीं होता है बेटा। आए, आए के साथ मेन वर्ब हमेशा प्लूरल आती है विवेक। वैसे तो वर्ब में सिखा चुकी हूं पर शायद आपकी लगता है वो क्लास छूट गई। आए के साथ मेन वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। आई डू, आई वॉक, आई टेक, आई गो, और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों आती हैं। कुछ सिंगुलर आती हैं, कुछ प्लूरल आती हैं। जैसे आई हैव, आई वॉज, आई हैव प्लूरल है और आई वॉज सिंगुलर है। ठीक है, हाँ जी, सबको क्लियर हो गया? कई देर में टेंस मिले हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, सुधीर V3 बैच में सीख लिया है, चलो रिवाइज कर लो फिर। और अगर V3 में थे तो भाई बहुत बढ़िया अनुभव रहा होगा, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन बहुत होती है ना वैदिकन में, कई बार बेचारा बच्चा परेशान हो जाता है। V3 बैच वैदिकन का था जहां तक मुझे याद आता है। हाँ, जिनको अच्छा लगे लाइक कर दो, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करती हूँ मैं। जिस दिन आपके दिल से आवाज आए ना उस दिन लाइक करना, ठीक है? कि हाँ मैम हमें कुछ सिखा पा रही है, हमारे लिए अच्छी कोशिश करती है, तो लाइक करिएगा। आ जाओ बेटा, अब पास्ट और फ्यूचर एक ही स्लाइड पे एक साथ हो जाएंगे, ध्यान से देखते जाना। प्रेजेंट हमने कंप्लीट कर लिया है, वैसे तो मैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों ही एक ही स्लाइड पे करा देती हूँ, पर क्योंकि जीरो से पढ़ाना था इसलिए मैंने काफी धीरे पढ़ाया है। अब थोड़ा सा मैं स्पीड ले रही हूं, क्योंकि जिन बच्चों को थोड़ा बहुत ज्ञान है वो बोर होने लगेंगे, बोलेंगे ये तो ABC सिखा रही है, निकलो यहाँ से, है ना। थोड़ा सा भी जो ज्ञानी बच्चा होता है, थोड़ा भी ज्ञान हो तो टीचर की कदर 1 सेकंड में छोड़ देता है। आ जाओ, लेकिन मेरा खुद का विश्वास बेसिक मजबूत करने में ही है, मेरा खुद का विश्वास बेसिक मजबूत करने में ही है। थैंक यू स्वीटी, ईमानदारी से अपना काम करती हूँ, अच्छाई तो कुछ नहीं है। चलिए, सिंपल पास्ट जब भी आपको पहचानना है तो ध्यान से देख लो, सेकंड फॉर्म मिलेगी या फिर डिड मिलेगा। या तो बेटा सेकंड फॉर्म मिलेगी और या फिर डिड मिलेगा। एक बात और सिखा रही हूं, कान खोल के सुनना, हिलना नहीं 2 सेकंड तक। अब ध्यान से, डिड के साथ जो वर्ब आती है ना वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि डिड तब लगता है जब आपका सेंटेंस या तो नेगेटिव हो
या फिर इंटेरोगेटिव हो। या तो आपका सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो तो डिड लगता है, यानी डिड वहां पे हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। और डिड ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो अपने साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म। इस कॉन्सेप्ट से आपको एरर मिल सकते हैं, दिमाग से सुन लेना। या तो पास्ट में सेकेंड फॉर्म मिलेगी या फिर डिड के साथ क्या मिलेगा, फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। या तो सेकेंड फॉर्म या फिर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। डिड कब मिलेगा, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। कैसे बेटा, ही डिड नॉट हेल्प मी, क्या सेंटेंस है, ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की। और या फिर मैं बोलूं ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। तो ही हेल्प्ड मी में क्लियर हो रहा है मदद की, यानी सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट। और डिड नॉट हेल्प मी में भी डिड से पता लग जाएगा कि सिंपल पास्ट टेंस है आपका। समझ पा रहे हो बेटा कैसे पता लगाना है। तो ही डिड नॉट हेल्प मी या ही हेल्प्ड मी, दोनों में ही टेंस पास्ट है। और ध्यान से देख लो डिड के साथ कौन सी फॉर्म लगा रही हूँ, हेल्प लगा रही हूँ। ये एरर हो जाएगा अगर मैं बोलूंगी डिड नॉट हेल्प्ड मी, तो यही एरर बनता है आपके एग्जाम में। बताओ एक बार, सिंपल पास्ट गया दिमाग में। डाटा नहीं बचा संजय यादव जी, चलो राइट, गुड स्वीटी, शाबाश, ग्रेट। हाँ जी, पुलिस के लिए एक वीडियो ही बना रखी है ललित मैंने, एक वीडियो है जिसमें हरियाणा पुलिस के सारे पेपर सॉल्व करा रखे हैं। 3.5 घंटे की वीडियो है इसी चैनल पे, आप देख लेना। 3.5 घंटे में पिछले सारे सालों के पेपर सॉल्व करा दिए कॉन्स्टेबल और एसआई के। तो ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस। अब बता रही हूं मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है बच्चों वॉज वर के साथ आईएनजी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, वॉज वर के साथ आईएनजी, जिसमें वॉज सिंगुलर होता है और वर प्लूरल होता है। जिसमें वॉज सिंगुलर होता है और वर प्लूरल होता है। मैंने कहा आई वॉज नॉट हैप्पी, सॉरी आई वॉज नॉट डूइंग दिस, आई वॉज नॉट डूइंग दिस। तो वॉज और डूइंग से समझ जाना आपका टेंस कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। वॉज और डूइंग से समझ जाना आपका टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस। वॉज और डूइंग से समझ जाना आपका टेंस कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ बेटा, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कितने बच्चे टेंस को बहुत सालों में पहली बार अटेंड कर रहे हैं, कितने बच्चों को टेंस से नफरत है, जल्दी बताएं। क्या वो सीख पा रहे हैं, घुस गया बुद्धि में, ठीक है सोफिया। प्रेपोजिशन टेंस के बाद कराऊंगी मनीष, पक्का, मैंने खुद ही सोचा हुआ है। टेंसेस के बाद प्रेपोजिशंस भी आपको क्लियर करूंगी, लेकिन पहले टेंसेस तो पढ़ा लेने दो। हाँ जी, तो सिंपल पास्ट क्लियर है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्लियर है। अब यहां से फ्यूचर रब करके मैं यहां पे लिख रही हूं पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा समझा रही हूं बेटा, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में हमेशा आता है हेड के साथ थर्ड फॉर्म, बता चुकी हूं परफेक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म होता है। तो पास्ट परफेक्ट उस टेंस को कहना जहां पे आपको क्या मिल जाए, हेड के साथ थर्ड फॉर्म मिल जाए बेटा। जैसे आई हैड रेड दैट, मैंने वो पढ़ लिया था, आई हैड रेड दैट। तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म मुझे बता रही है टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। पहले सही टेंस पहचानना आना चाहिए तो ही गलत को सही करना सिखाऊंगी। जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं मैं फिर से बता दूं उन्हें, बेसिक पढ़ा रही हूं फिलहाल, 15 ट्रिक सिखाऊंगी जिसके बाहर से आएगा नहीं। लेकिन वो 15 ट्रिक तब सिखा सकती हूँ जब ये बेसिक आप लोगों को अच्छे से आता हो। तो जहां भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म दिखे बेटा टेंस मान लेना पास्ट परफेक्ट। हिंदी बनाने की आदत छोड़ दो, इंग्लिश की वर्ब पहचानना शुरू करिए, टेंस आसान हो जाएंगे बेटा। सही रास्ते पर चलो इंग्लिश आसान है, गलत रास्ता पकड़ो इंग्लिश बहुत मुश्किल है। वीडियो रुकने का कारण इंटरनेट हो सकता है राजेश कुमार जी, और वो हमारे हाथ में थोड़ा सा कम है।
हाँ जी, रीढ़ की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, लेकिन हैज ऑफ हेड के साथ अमित हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, ये अंडरस्टूड है। हैज ऑफ हेड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है बेटा, ये अंडरस्टूड है। हैज ऑफ हेड के साथ और कोई फॉर्म आ ही नहीं सकती, तो इसलिए आई हैड रेड में क्लियर हो गया पास्ट परफेक्ट। आओ अब बता रही हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अब बता रही हूँ बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ध्यान से देखो, पास्ट यानी कि हैड, परफेक्ट यानी बीन, और कॉन्टिन्यूस यानी आईएनजी। पास्ट यानी हैड, परफेक्ट यानी बीन, और कॉन्टिन्यूस यानी आईएनजी, और बाकी इस वाक्य में हम शुरुआत का टाइम जरूर बताते हैं, इसीलिए शुरुआती टाइम दिखाने के लिए सिंस और फोर हमेशा मिलेगा वाक्य में। शुरुआती टाइम दिखाने के लिए सिंस और फोर आपको हमेशा मिलेगा वाक्य में। तो जहां भी हैड बीन आईएनजी दिखाई दे सिंस और फोर के साथ, आप लोग बिना हिंदी बनाए समझ जाएंगे कि हैड बीन आईएनजी सिंस और फोर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही हो सकता है। थैंक यू ज्योति, जिस जिस को भी सिखा पाती हूँ जरूर मुझे कमेंट में बताया करो, जरूर बताया करो। वो कैब की क्लास अलग से लाऊंगी बेटा, 45 मिनट में ना ग्रामर का ही कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं हो पाता है, तो वो कैब अगर बीच में मैंने डाल दी तो दिक्कत हो जाएगी। वो कैब मैं अलग से कराती हूँ ना प्रेपोजिशन के बाद, प्रेपोजिशन और पढ़ लो मेरे से एक बार, फिर उसके बाहर आपका पेपर में ऑलमोस्ट एक आधा ही क्वेश्चन मिलेगा, अदरवाइज आपके ज्यादातर क्वेश्चन ये तीन चार टॉपिक से हो जाएंगे, हरियाणा में भी और एयरफोर्स में भी। उसके बाद मैं जरूर वो कैब की भी कुछ क्लासेस आपको दूंगी बेटा, पक्का दूंगी, चिंता मत करो। आप सबके लिए ही हम खड़े हैं, आप सबकी वजह से ही हम जैसे टीचर्स हैं। अगर बच्चों का भला नहीं किया तो टीचर किसी काम का नहीं है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जरूर सोचेंगे। ऑफलाइन बैच कल से शुरू हो रहा है, एसआई वाला गारंटी बैच है जो 50 बच्चों का, वो कल से शुरू हो रहा है। एसआई का गारंटी बैच कल से शुरू हो रहा है, ऑफलाइन वाला। अब बताओ, आज मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट क्लियर कर दिया है, समझ में आ गया? हाँ जी पक्का आएगा बेटा, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी को क्लियर हो गया है। हाँ एक एक करके सारे चैप्टर कराऊंगी विवेक जरूर कराऊंगी, आप लोग ना अटेंटिव और सीरियस रहना, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे मजा आता है इंग्लिश पढ़ाने में, मुझे अच्छा लगता है, मैं बच्चे का डर निकाल पाऊं, दिल को सुकून मिलता है। तो मैं सच्ची में आप सबके मन से डर निकालना चाहती हूँ इंग्लिश का, इसीलिए तो टेंस की एबीसी पढ़ा रही हूँ, नहीं तो सीधा एरर भी तो सिखा सकती थी। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये आता होगा ये सोचेगा बड़ा नकली टीचर है, बच्चा एक सेकंड में इंप्रेशन बनाता है टीचर का, बिल्कुल नहीं देखता वो मेहनत किन बच्चों के लिए कर रहा है। तो टेंस का आधार ही खराब है तो बिल्डिंग बनाऊंगी कैसे, इसलिए आधार मजबूत करने पर क्लास लगा रही हूँ। आधार मजबूत हो गया ना बेटा तो बिल्डिंग खड़ी ऐसी होगी कि कभी गिरेगी नहीं। मानते हो कि नहीं मानते जल्दी से बताना। आज प्रेजेंट और पास्ट कवर किया है, यहीं पे रुक रही हूँ, कल कराऊंगी आगे फ्यूचर टेंस आपको, और साथ में ट्रिक्स भी सिखाऊंगी। फ्यूचर के बाद पहले तो आपसे 20-30 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। कल सेंटेंस आएगा बोर्ड के ऊपर, आपने मुझे ये बताना होगा कि उसमें टेंस कौन सा है बिना हिंदी बनाए, तभी तो साबित कर पाऊंगी ना कि बिना हिंदी बनाए मैं आपको टेंस करना सिखा रही हूँ। तो कल 20-30 क्वेश्चन भी कराऊंगी और फ्यूचर टेंस भी कराऊंगी, जिसमें आप मुझे बताओगे सेंटेंस पढ़ के बिना ताते ती किए कि उसमें टेंस कौन सा है। ठीक है बेटा, अब आज्ञा हो आप सबकी तो चलूं मैं, यहां तक का ठीक ठाक समझाई दिया, आप यस कह रहे हो, बिल्कुल विकास मैं वेलकम करने के लिए तैयार हूं, सफल बच्चे का भी और असफल बच्चे का भी। टीचर का फर्ज होता है कि दोनों तरह के बच्चों से बराबर प्यार करे, तो मैं बिल्कुल आप सबकी मदद में हमेशा तैयार रहूंगी। हाँ जी, लो स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली हेल्पफुल है, इंग्लिश हर जगह ऑलमोस्ट बराबर होती है, 19-20 का ही फर्क होता है। एयरफोर्स का बैच तो बनाने का फायदा नहीं है, कुछ ही दिनों में क्लास है बेटा, व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ एयरफोर्स। यस, लॉ स्टूडेंट्स के लिए पूनम हेल्पफुल है बेटा, पक्का है। टेंस तो हर बच्चे के लिए हेल्पफुल है, टेंस तो हर किसी के लिए हेल्पफुल है, इंग्लिश बोलने वाले के लिए, लिखने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस के लिए, हर चीज के लिए टेंस जरूरी है। चलो कल मिलती हूँ अब अगली क्लास के लिए, तो कुछ बच्चे बोर हो जाएंगे। बाय बच्चों, गुड नाइट।